हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल 24/7 CA Zone। तो आज का वीडियो होगा आपका जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी पर, जो कि मैराथन है बेसिकली। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और आप लोग अपने प्रिपरेशंस जो है करते रहिए, बिकॉज अब टाइम एकदम आ ही गया है आपका एग्ज़ाम्स का, तो आप अपनी भी प्रिपरेशंस जो है रेगुलरली करते रहिए। अब तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जोनल काउंसिल डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू ए इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, बी बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, या डी ऑल ऑफ द अबव। क्षेत्रीय परिषद किन मामलों के संबंध में चर्चा करती है? ए अंतर्राज्य परिवहन, बी सीमा विवाद, सी आर्थिक और सामाजिक योजना, या डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी, अंतर्राज्य परिवहन में भी, सीमा विवाद में भी, आर्थिक और सामाजिक योजना में भी, सभी में ही करती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? ए हैबियस कॉर्पस, बी मैंडामस, सी सर्टियोरी, या डी क्वो वारंटो। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी मंडामस, सी प्रमाणिक, या डी क्वो वारंटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया है? ए प्रीएम्बल, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सी सेवन शेड्यूल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या जुडिशियल डिसीजन। ए प्रस्तावना, बी निदेशक सिद्धांत, सी सेवन संविधान की अनुसूची, या डी न्यायिक निर्णय। इसका जो राइट आंसर हो वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निदेशक सिद्धांत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया है? निदेशक सिद्धांत के द्वारा दिया गया है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाई कोर्ट्स एज कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के रूप में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे कब? 1861 में, 1865 में, 1909 में, या 1911 में। तो ये इस्टैब्लिश किए गए थे आपके 1861 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में इस्टैब्लिश किए गए थे, तो ए इज़ योर राइट आंसर, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? ए स्टेट गवर्नमेंट, बी प्रेसिडेंट, सी गवर्नर ऑफ द स्टेट, या डी पार्लियामेंट। ए राज्य सरकार, बी राष्ट्रपति, सी राज्य के राज्यपाल, या डी संसद। तो कौन डिसाइड करता है? तो जो डिसाइड करते हैं वो होते पार्लियामेंट, तो डी संसद, पार्लियामेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो डी संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, पार्लियामेंट डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। तो संसद होती है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोसीजर ऑफ एन अमेंडमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी।
ए फेडरल। जब संशोधनों की प्रतिक्रिया जटिल होती है तो संविधान को कहा जाता है ए संघीय, बी कठोर, सी लचीला या डी एकात्म। ए फेडरल, बी रिजिड, सी फ्लेक्सिबल या डी यूनिटरी। तो उसे कहा जाता है रिजिड, बी कठोर। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो व्हेन द प्रोसीजर ऑफ एन अमेंडमेंट इज़ कॉम्प्लिकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी रिजिड, यानी कठोर। कठोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब संशोधनों की प्रतिक्रिया जटिल होती है तो संविधान को कठोर कहा जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर फंड्स मेनली ऑन। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से धन के लिए किस पे निर्भर करती हैं? ए लोकल टैक्स, बी प्रॉपर्टी टैक्स, सी गवर्नमेंट फाइनेंसेस या डी स्पेशल टैक्स। ए स्थानीय कर, बी संपत्ति कर, सी सरकारी वित्त या डी विशेष कर। किस पे डिपेंड होती हैं? तो जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा, गवर्नमेंट फाइनेंसेस यानी सरकारी वित्त, इस पे डिपेंड करती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर गवर्नमेंट फाइनेंसेस फॉर फंड्स। तो पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से धन के लिए सरकारी वित्त पे निर्भर करती हैं। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल पंचायत वर रिकमेंडेड बाय। मंडल पंचायत की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी नारासिम्हन कमेटी, सी अशोक मेहता कमेटी या डी वेंगल राव कमेटी। सेम ऑप्शन है हिंदी में भी, तो किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा अशोक मेहता कमेटी, सी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द मंडल पंचायत्स वर रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी, यानी मंडल पंचायत की सिफारिश अशोक मेहता के द्वारा की गई थी, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य होते हैं ए मेंबर ऑफ बोथ राज्य एंड लोकसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी नन ऑफ दीज। ए राज्य और लोकसभा दोनों के सदस्य, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए मेंबर ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्य और लोकसभा दोनों के सदस्य के द्वारा। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों ही राज्य और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among the following is authorized to declare election of the Lok Sabha? निम्नलिखित में से कौन Lok Sabha के चुनाव की घोषणा करने के लिए अधिकृत है? कौन अधिकृत है? A. President, B. Prime Minister, C. Union Cabinet या D. Election Commission, Commissioner. A. राष्ट्रपति, B. प्रधानमंत्री, C. केंद्र कैबिनेट या डी चुनाव आयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के चुनाव की घोषणा करने के लिए अधिकृत है, यानी प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति आपका सही उत्तर होगा। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं,
A law passed by a state on a concurrent subject gets precedence over the central law if एक राज्य द्वारा संवर्तीय विषय पर पारित कानून को केंद्रीय कानून पर वरीयता मिलती है यदि तो उसमें ऑप्शंस है ए इट वाज पास्ड अर्लियर देन द सेंट्रल लॉ बी इट वाज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट सी द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन या डी द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड तो हिंदी में ऑप्शंस है ए इसे केंद्रीय कानून से पहले पारित किया गया था बी इसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया सी सुप्रीम कोर्ट का फैसला या डी राज्य विधानमंडल का बहुमत निर्णय करता है इसमें सही आंसर क्या होगा आपका तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी इट वाज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट यानी इसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया तो देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल या बी द पार्लियामेंट्री कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन या सी द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व या डी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल इन द लोकसभा ए लोकसभा का चुनाव सीधे जनता करती है बी संसदीय संविधान के संशोधन कर सकती है सी राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती या डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है तो इसका सही राइट आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर होगा डी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द लोकसभा यानी लोकसभा में मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है तो देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द लोकसभा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि जो लोकसभा और में मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है इसलिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज हमारे संविधान की प्रस्तावना इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सी इज लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर्स या डी नन ऑफ दीज ए संविधान का एक हिस्सा है बी संविधान की भावना शामिल है सी दी गई शक्ति पर सीमा है या डी इनमें से कोई नहीं तो द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की भावना शामिल है तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की भावना शामिल है हमारे संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बी इज़ द राइट आंसर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज इन्विज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स यानी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की परिकल्पना की गई है ए 14 यानी 14 बी 19 सी 29 29 या डी 32 यानी 32 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 29 29 तो 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज इन्विजिस्ट इन 29th आर्टिकल यानी 29th अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की परिकल्पना की गई है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में है आपका इम्पॉर्टेंट है और आप कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप ये भी प्रैक्टिस करके जाइएगा अपना कि कौन सा आर्टिकल कौन सा है या कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सब तो एक साइड आपका दे रखा है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इधर लिस्ट 1 में और बी साइड दे रखा है प्रोविजंस
इसमें आपको मैच करना है। तो पार्ट 4A का क्या होगा, पार्ट 8 का क्या होगा, पार्ट 9 का क्या होगा और पार्ट 9A का क्या होगा, तो ये मिलाना है आपको कि किसका कौन सा होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी पार्ट 4A का होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाएगा आपका ए का। उसके बाद पार्ट 8 का होगा द यूनियन टेरिटरीज, 9 का होगा द पंचायत्स और 9A का होगा म्यूनसिपैलिटीज़। तो इस मतलब क्रम में ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इज़ द राइट आंसर, इन चारों के चारों ऑप्शन सामने वाले राइट आंसर हो जाएंगे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताना है कि कौन सा किसका होगा आंसर, यानी कौन से आर्टिकल में क्या आता है और कौन से आर्टिकल में क्या आता है। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा और सब लोग लिखकर बताइएगा। ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, वैसे भी अपने कॉमन मतलब उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यानी शिक्षा का अधिकरण अधिनियम 2002 समाज के निम्नलिखित समूहों में से किसकी मदद के लिए पेश किया गया था। ए चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, बी कॉलेज गोइंग टीनेजर्स, सी ऑल अडल्ट्स who could not get formal education, या डी female student studying senior secondary school। ए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, बी कॉलेज जाने वाले किशोर, सी सभी वयस्क से जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, या डी महिला छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई के लिए। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो करा गया था आपका Children of the age of 6 to 14 years, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें वो जाएगा ए, Children of the age of 6 to 14 years, यानी इनके लिए किया गया था। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम समाज में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया गया था, ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ए पार्ट 1, बी पार्ट 3, सी पार्ट 4 या डी पार्ट 5, कौन से उससे संबंधित। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज सी पार्ट 4, यानी पार्ट 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान में पार्ट 4 जो भाग है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, यानी भाग 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्ट 4 को आप भाग 4 भी बोल सकते हैं, भाग 4, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सहायता अनुदान से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शंस है ए 270, बी 275, सी 280 या डी 265। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो बी आर्टिकल 275 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आर्टिकल 275 है डील करता है विद ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट, आर्टिकल 275 जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता अनुदान से संबंधित है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इज़ योर राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बजट इज़ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन, बजट संसद में पेश किया जाता है कब? द लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी, या बी 15 मार्च, या सी द लास्ट डे ऑफ मार्च, या डी 1 अप्रैल। ए फरवरी का आखिरी दिन, बी 15 मार्च, सी मार्च का अंतिम दिन, या डी 1 अप्रैल। तो कब पेश किया जाता है? ए लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी, यानी फरवरी का आखिरी दिन। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी में जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है टू द पार्लियामेंट, बजट संसद में फरवरी के आखिरी दिन में पेश किया जाता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयोग। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त, यानी लोकायुक्त की संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, महाराष्ट्र था। यानी महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त, यानी लोकायुक्त की संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय देश था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शंस है, ए इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी विलेज विद अ पॉपुलेशन ओवर 500, या बी इट कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द विलेज, या सी इट्स डिसीजंस आर टेकन बाय अ मेजॉरिटी वोट, या डी इट्स डिसीजन इन पेटी क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी अपील्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ए है, इसका गठन 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में होता है। बी इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। सी इसका निर्णय बहुमत से लिया जाता है, या डी छोटे मोटे आपराधिक मामलों में इसके फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। तो इसमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कौन सा जो है सही नहीं है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ओवर 500, इसका गठन 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में होता है, ये आपका सही नहीं है। बाकी आपके सारे सही हैं ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग में, यानी ग्राम पंचायत से के संबंध में बाकी सारे सही हैं आपके एक्सेप्ट ए। तो ए आपका सही नहीं है, बाकी सारे आपके सही हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, इसका गठन 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में होता है, ये सत्य नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर आंसर आते, तो आपके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।